मणिपुर में चुनावी मंजर से आपको रूबरू कराने के लिए मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह इस वक्त मणिपुर में हूं। और मणिपुर के इस यात्रा में इस वक्त मेरे साथ है मणिपुर का वर्तमान और भविष्य दोनों साथ साथ मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठे हुए। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, भविष्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें ज्यादा गहरी हैं। वर्तमान अभी परेशान जरूर है, लेकिन उसे इस बात का कहीं ना कहीं सुकून भी है कि उसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पूरी जिंदा दिली के साथ जिया है। भविष्य सोच रहा है कि उसके हिस्से में प्यार मोहब्बत का कुछ हिस्सा है भी, या फिर उसे यूं ही नफरत घृणा और उन्माद के साए में ताउम्र सांस लेनी पड़ेगी। मणिपुर में जब भी कोई आता है तो यहाँ की खूबसूरत तस्वीर उसके जहन में बैठ जाती है। यहाँ के चप्पे चप्पे में मणि चिपकी हुई है। लोग यहाँ की खूबसूरत यादों के साथ वापस लौटते हैं, लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ की डबल इंजन की सरकार ने राज्य के खूबसूरत चेहरे को बदसूरत बना रखा है। फिजा में हर तरफ भय शंका, एक अज्ञात आशंका पसरा हुआ है। फूल पत्ती भी शरगोशी कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर। कब कोई नफरत घृणा द्वेष की आंधी उठे और कब एक हंसता खिलता आशियाना उन्माद की अंधी आग में निस्नाबूध हो जाए, कोई नहीं जानता। भारत भूमि में इस वक्त लोकतंत्र के पावन पर्व की बेला चल रही है। देश के हर कोने में चुनावी उत्सव का माहौल है। लोग अपने आज और कल की दिशा और दशा तय करने के लिए अपने वोट की ताकत को तौल रहे हैं, लेकिन मणिपुर अपने आज और कल की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में लगा हुआ है। मेरे साथ कभी ऑटो में कभी बस में मौजूद चेहरों पर कभी कभी मुस्कुराहट की लकीरें उभर आती हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के बीच उदासी की परतें भी मुझे दिखती हैं। एक शायर की नज़र से कहूँ तो होंठ जल उठते हैं मुस्कुराने से, फिर भी शिकवा नहीं है जमाने से। मणिपुर में इस वक्त मुकाबला किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के बीच नहीं हो रहा है। यहाँ मुकाबला हैवानियत और इंसानियत के बीच हो रहा है। मुकाबला नफरत और मोहब्बत के बीच हो रहा है। मुकाबला जलते घर और लहलहाते वादियों के बीच हो रहा है। मुकाबले का मसला चुनावी हार जीत नहीं है, मसला मणिपुर के मुस्कान का है, जिसको जिंदा रखने के लिए श्री राहुल गांधी ने यहीं से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया। चुनावी मसला मणिपुर के वर्तमान और भविष्य का है, जो इस वक्त मेरे साथ ऑटो में एक साथ बैठकर मणिपुर की तकदीर और तस्वीर को लेकर विचार मांगना है। मणिपुर में इस वक्त माननीय मोदी जी के उस चुनावी बयान का जिक्र भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार की लगातार कोशिशों के बदौलत मणिपुर में अमन चैन बहाल हो सका। लोग हंसते हुए पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने संघर्ष का नाम शांति और तबाही बर्बादी का नाम खुशहाली रख दिया है। पता उनको भी है कि मोदी जी न तो म से मणिपुर बोल सकते हैं, न म से महंगाई। मणिपुर की हिंसा को लेकर वो मोदी जी की डबल इंजन सरकार से कई सवाल भी पूछना चाहते हैं, लेकिन पता उनको भी है कि सरकार में जवाब नहीं मिलता है। इस डबल इंजन सरकार में सवाल के बदले सवाल ही सामने आता है। कुछ बेशर्म सवाल, कुछ बेहूदगी से भरे सवाल, कुछ बे इंतहा दर्द देने वाले सवाल। मणिपुर के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सर पर उनके कफन का अनजान साया भी चिपका हुआ है। हर तरफ संगीनों का पहरा है। एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकता, दूसरा तीसरे के इलाके में नहीं जा सकता। सब अपने अपने इलाकों में सिमटे हुए हैं। खुद मुझे भी लोगों ने सलाह दी कि आज की तारीख में मणिपुर में सुरक्षित कोई नहीं है। कहा कि लोग रास्ते में आपसे जाति मजहब को लेकर कई तरह के सुलगते सवाल पूछेंगे, लेकिन आप बस अपनी इंसानियत पर टिके रहना, INC TV की पहचान के साथ अपना परिचय देना, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका सम्मान बना रहेगा। कुछ भी गलत नहीं कहा था ऑटो वालों ने या फिर बस वालों ने। राहुल गांधी ने मणिपुर की सरजमी पर मोहब्बत के जो बीज बोए थे, वो प्यार के नाजुक पौधे के तौर पर थोड़े थोड़े मुस्कुराने लगे हैं।
मणिपुर ने उसी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। मणिपुर की इस मुस्कुराहट को कायम रखने के लिए मोदी सरकार अभी भी कुछ नहीं कर रही है। राहुल गांधी हर एक मौके पर मणिपुर का मुद्दा उठाते रहे हैं, संसद में भी उठाते रहे हैं। विपक्षी दल मणिपुर में अमन शांति के लिए सरकार से असरदार कदम उठाने की गुजारिश करते रहे, लेकिन मोदी सरकार के लिए इस वक्त मणिपुर कोई मायने नहीं रख रहा है। मायना मतदाताओं का हुजूम रख रहा है, जिसे लुभाने के लिए माननीय मोदी जी रोज एक नए जुमले गढ़ रहे हैं। हर रोज झूठ की एक सीढ़ी लगाकर सत्ता में बने रहने के लिए सियासी साजिश रच रहे हैं। मणिपुर से INC TV के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करते वक्त मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, यहाँ की काली रात की सुबह कब होगी, कब मणिपुर की आबो हवा पहले जैसी शांति और सुकून के साय में सरगोशी करेगी, कब यहाँ पर इंसानियत की बयार पहले की तरह बहेगी और कब मणियों से सुसज्जित ये राज पहले की तरह मोहब्बत के तराने हमको और आपको सुनाएगा। इस सवाल का जवाब केवल मणिपुर को नहीं देना है, इस सवाल का जवाब पूरे देश को देना है। आपको भी इसी चुनाव में अपना जवाब देना है, इस बात का खास ख्याल रखें। नमस्कार।